नारनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी, विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, जनता को किया संबोधित। देश में कोरोना का प्रकोप अभी भी बरकरार, 24 घंटों में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज, 221 संक्रमितों की मौत। सिद्धार्थनगर में गायों को नहीं मिल रहा चारा, तड़प तड़प कर मर रही गाय, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। गाजियाबाद की हवा में घुला जहर, दीपावली में जलाए गए थे पटाखे, 441 पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। गोवर्धन पूजा को लोग अन्नकूट पूजा के नाम से भी जानते हैं। दिवाली के अगले दिन यानी कि आज गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत, गौधन यानी कि गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्रदेव और अग्निदेव आदि देवताओं की भी पूजा का विधान है। गोवर्धन पूजा में विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित किया जाता है, इसी वजह से इस उत्सव को अन्नकूट कहा जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान, मिठाई से भगवान को भोग भी लगाया जाता है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। इसमें हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है। ये है कथा। गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र से रक्षा की थी। माना तो ये भी जाता है कि इसके बाद भगवान कृष्ण ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया था। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा आज भी कायम है और हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी की करें पूजा। इस दिन खास तौर पर अन्नकूट बनाकर गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन धन दौलत, गाड़ी, अच्छे मकान के लिए कृष्ण जी और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, ताकि नौकरी या व्यापार में खूब तरक्की मिल सके। गोवर्धन पूजा विधि। सबसे पहले शरीर पर तेल से मालिश करें, उसके बाद स्नान करें। घर के मुख्य द्वार पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। पर्वत के पास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखें। अब विधि विधान से पूजा अर्चना करें। सायकाल पश्चात पूजित गायों से पूजित गोवर्धन पर्वत का मर्दन कराएं, फिर उस गोबर से घर आंगन लीपें। गोवर्धन पूजा का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है, तो ऐसे में मथुरा में भी गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। आज दीपावली के दिन कान जगाई होती है। वो कान जगाई क्या है कि गौ आती है और गौ के कान में ये कहा जाता है कि कल के लिए ठाकुर जी को हम अन्नकूट धराएंगे। ठाकुर जी के ऊपर जो श्रम पड़ा है उस श्रम को कम करने के लिए ठाकुर जी को अन्नकूट धराया जाता है और प्रातःकाल गोवर्धन पूजा होती है पुष्टि मारक के सभी मंदिरों। देखिए, आज दिवाली का दिन है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भारतवासी और हिंदू रहता है वो आज एक अलग प्रकार की अनुभूति महसूस करता है और गोवर्धन की तो महिमा ही निराली है। जिसने इंद्र का मान मर्दन किया और एक कन्नकी उंगली पर पर्वत उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की, तो हर ब्रजवासी गोवर्धन को इतने उत्साह के साथ मनाता है जैसे सभी त्योहारों को मनाता है। आज सभी को, पूरे ब्रजवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपने जीवन में निरंतर उन्नति करें, तरक्की करें। यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगता है और हमको इतना भाव होता है कि सारा दूसरी बार आ जाए और साक्षात कन्हैया, हमको तो कन्हैया का भाव होता है कि यहाँ द्वारकाधीश है लेकिन हमको हमारा कन्हैया दिखाई देता है। आज दिवाली के दिन बहुत अच्छा वातावरण है, लोग देखने जाते हैं, सब देखते हैं
वो इनके पहली बार देखा है, इन्हें मानते हैं बहुत। मैं समय पहुंच चुका हूं मथुरा और यहां द्वारकाधीश मंदिर में जिस तरह से गोवर्धन पूजा होती है वो मथुरा की देश भर में मशहूर है, क्योंकि गोवर्धन पूजा का जो महत्व है वो मथुरा से शुरू होता है। मथुरा में श्री कृष्ण ने जिस तरह से गोवर्धन पर्वत उठाया था उसके बाद गोवर्धन पूजा गिरिराज महाराज की शुरू हुई और उसी को लेकर के आज हम मथुरा पहुंच चुके हैं और यहां पर हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन पूजा का क्या महत्व होता है, क्यों मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। और मैं आपको बता दूं ये द्वारकाधीश मंदिर है, यहां पर वैसे तो द्वारकाधीश में जो है गोवर्धन पूजा बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और यहां सुबह जो है गोवर्धन पूजा होती है, चूँकि जिस तरह से पूरे देश में गोवर्धन की पूजा शाम को होती है लेकिन इस मंदिर में सुबह जो है गिरिराज महाराज पूजे जाते हैं, गोवर्धन की पूजा होती है, यहाँ गोवर्धन बनाए जाते हैं, गौ माता के गोबर से गोवर्धन बनता है और उसकी यहाँ पूजा होती है। उसी के लेकर के हम बात करते हैं, यहाँ के जो पीआरओ हैं राकेश तिवारी वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है, कब से शुरू हुई और क्या इसका तरीका होता है। देखिए पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में गोवर्धन पूजा सुबह होती है, ये बात सत्य है, लेकिन आपने ये पूछा कि क्यों होती है, तो भगवान कृष्ण ने इंद्र के अभिमान का दमन करने के लिए गोवर्धन पूजा का आयोजन तभी से ब्रज में होता है। पूर्व में सभी ब्रजवासी मतलब गोवर्धन पूजा से पहले इंद्र की पूजा करते थे, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, बालक ने अपनी लीलाएं की, लेकिन बालक ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि आज आप गोवर्धन पूजा करो, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, इंद्र नाराज हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं आप करो, सब प्रभु की लीला होगी। तब जब इंद्र का पूजन नहीं हुआ तो इंद्र ने भयंकर प्रकोप किया और भगवान ने अपने 7 साल की उम्र में करनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को ढाके सभी ब्रजवासियों की रक्षा की और तभी से आज तक गोवर्धन पूजा का प्रावधान है और पूरे ब्रजमंडल में सभी जगह गोवर्धन पूजा होती है। जहाँ तक पुष्टि मार्ग का सवाल है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में आज दीपावली के दिन कान जगाई होती है। वो कान जगाई क्या है कि गऊ आती है और गऊ के कान में ये कहा जाता है कि कल के लिए ठाकुर जी को हम अन्नकूट धराएंगे, ठाकुर जी के ऊपर जो श्रम पड़ा है उस श्रम को कम करने के लिए ठाकुर जी को अन्नकूट धराया जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौ सेवा और गाय के लिए गौशाला बनाने की तो बहुत बातें करती है लेकिन ये सिर्फ कागजी होती हैं या फिर इसका जमीनी स्तर से कोई भी लेना देना नहीं होता, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लगातार गौवंश के भूख प्यास की वजह से मरने की खबरें आती हैं, वो सरकार की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़ा करती नजर आ रही हैं। आज फिर एक ऐसा मामला सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील के नगर पंचायत स्थित मिल्क कॉलोनी से सामने आया है जहां पर भूख प्यास से तड़प कर गौवंश मर रहे हैं, वहीं कौवे बीमार पशुओं की आंखें फोड़ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जिस तरह से गौवंशों इतनी दर्दनाक मौत हो रही है उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? आपको बता दें कि करीब 68 गौवंश पशुओं की पहले जियो टैगिंग हुई थी जिसमें से मौके पर 37 पशु ही जीवित रह गए हैं, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर किस तरह से पशुओं का गौवंशों का ध्यान गायों का ध्यान रखा जा रहा है। 68 टैगिंग हुई थी लेकिन अब 37 बची हैं, इतनी सारी गायों की मौत लगातार हो रही है, इसके पीछे का आखिर जिम्मेदार कौन है? सब जिम्मेदार अधिकारी इससे पल्ला झाड़ते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तड़प तड़प कर गौवंशों की मौत हो रही है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक बहुत बड़ा बजट जो है वो गौवंशों के लिए गायों के लिए रखा गया, उसके बावजूद भी सूखा चारा ये गायें खाती हुई नजर आती हैं और इसकी वजह से कई बार भूख प्यास से तड़प कर इनकी जान चली जाती है। ऐसी कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी है, कोई पहला मौका नहीं है कि सिद्धार्थनगर से कोई नई तस्वीर सामने आई है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के हर जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। गौवंशों की मौत एक बार फिर से सवाल खड़ा कर रही है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है आखिर वो कहाँ है, क्यों इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौ सेवा और गायों के लिए गौशाला बनाने की बहुत बातें करती है और कई गौशाला बनाई भी गई हैं, लेकिन गौशाला बनाने के बावजूद भी यहां पर गायें जीवित नहीं रह पाती, इसकी जमीनी हकीकत कुछ और होती है क्योंकि लगातार गौवंश और गायें भूख प्यास की वजह से दम तोड़ रही हैं। सरकार की व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील के नगर पंचायत स्थित मिल्क कॉलोनी से ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर भूख प्यास से तड़प तड़प कर गौवंश मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, जिनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं
जो बीमार पशु हैं, जो गौवंश हैं, उनकी आंखें कोए फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और जिस तरह से गौवंशों की दर्दनाक मौत हो रही है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर इस इलाके की अगर बात की जाए तो 68 गौवंश पशुओं की जियो टैगिंग हुई थी, जिसमें से मौके पर 37 पशु ही जीवित रह गए हैं, यानी कि इतने भारी संख्या में गौवंशों की दर्दनाक मौत हुई है। नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने मोबाइल से भरे कैंटर के लूट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को एक कैंटर जिसमें 7 करोड़ के मोबाइल लूडर नोएडा से बेंगलुरु ले जाया जा रहा था, उसी समय जब ड्राइवर कैंटर लेकर ग्वालियर बाईपास पहुंचा तो वहां खड़े 2 व्यक्तियों ने उससे लिफ्ट मांगने के बहाने कैंटर को रुकवा लिया और ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट कर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर मोबाइल से भरे कैंटर को लूट लिया। वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो नोएडा का एक पूरा मामला है जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने लूट का खुलासा किया है। दरअसल एक कैंटर जो कि मोबाइल से पूरी तरह से लोडेड था, उसकी लूट की घटना को अंजाम दिया गया 5 आरोपियों द्वारा। काफी दिनों से फरार चल रहे थे, इनकी तलाश भी की जा रही थी, आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि 5 अक्टूबर को एक ट्रक जो कि नोएडा से बेंगलोर के लिए चला था, जिसमें ओप्पो के मोबाइल भरे हुए थे, उसके साथ एक लूट की घटना हुई थी। ये घटना मथुरा से शुरू होकर के झांसी या ललितपुर होते हुए मध्य प्रदेश में जाकर के उसके ड्राइवर को कुछ दिनों बाद फेंका गया था। इसका मुकदमा थाना फरे में पंजीकृत हुआ था। ये एक बहुत ही सेंसेशनल और बड़ी घटना थी, जिस पर लगातार मथुरा पुलिस और एसटीएफ नोएडा यूनिट की वृंदावन के थाना कोतवाली के राजपुर गांव में दलित समाज के सार्वजनिक बगीचे पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद लोगों की तरफ से अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की गई। वहीं जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग भी की गई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव करना शुरू कर दिया। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि 5 अक्टूबर को एक ट्रक जो कि नोएडा से बेंगलोर के लिए
बचपन की तस्वीरें हैं, जहां पर थाना कोतवाली के राजपुर गांव में दलित समाज के सार्वजनिक बगीचे पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद लोगों की तरफ से अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की गई। वहीं जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग भी की गई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव करना शुरू कर दिया। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तो वृंदावन का एक पूरा मामला है, जहां पर अवैध कब्जे की कोशिश लगातार की जा रही थी और जिसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया और दबंगों पर पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले को शांत कराया है। मेरठ के थाना किठौर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेज रफ्तार से आ रही जो कार है वो पेड़ से टकरा गई और हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही जान चली गई है। वहीं कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में दीपावली की रात में चोरों ने जमकर तांडव मचाया। एक मोबाइल के शोरूम में अज्ञात चोरों ने शोरूम का शटर का ताला तोड़कर लाखों के मोबाइल फोन समेत कई सामानों की चोरी की। पीड़ित के मुताबिक 6 लाख का कैश भी चोरी हुआ है। साथ ही पीड़ित ने बताया कि उसके यहाँ से 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि चोर इतने शातिर थे कि वो सीसीटीवी कैमरे का DVR भी अपने साथ ले गए हैं। ग्रेटर नोएडा का एक पूरा मामला है, जहाँ पर एक मोबाइल शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र का एक पूरा मामला है, जहां पर दीपावली की रात में चोरों ने जमकर तांडव मचाया। मोबाइल के शोरूम में अज्ञात चोरों ने शोरूम का शटर का ताला तोड़कर लाखों के मोबाइल फोन समेत कई सामानों की चोरी की है। पीड़ित के मुताबिक 6 लाख का कैश भी चोरी हुआ है और साथ ही पीड़ित ने बताया कि उसके यहाँ करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि चोर इतने शातिर थे कि वो सीसीटीवी कैमरा का DVR भी अपने साथ चुरा ले गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है। साथ ही साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी किया। इसके बाद वहां की आवाम को वो संबोधित करते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने 2013 की त्रासदी को याद किया और भावुक होते हुए भी नजर आए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। पूजाम चै बिना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। साथियों, हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति,
एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी, देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दिन और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है। गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल बते मैंने बिताए, एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है और गरुड़ चट्टी का तो मेरा विशेष नाता भी रहा है। यहां एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं। मैंने आपके दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा। साधु तो चलता भला, यानी पुराने लोग तो अब चले गए हैं, कुछ लोग स्थान को छोड़ के चले गए, कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।